सो गाइस, कल आपने ये देख ही लिया होगा कि जंगकुक ने कितना इमोशनल मैसेज दिया है अपने आर्मी को। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया एंड उसमें बहुत ही इमोशनल मैसेज है। तो मैसेज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बीटीएस का कॉन्सर्ट सोल में 10 मार्च को हुआ था, जहां पे आर्मीज के साथ साथ बीटीएस मेंबर्स के भी एक्साइटमेंट को देखा जा सकता था। जितने भी मेंबर्स थे सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। बीटीएस मेंबर्स की एक्साइटमेंट इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि वो अपने होम टाउन में परफॉर्म कर रहे थे एंड अपने देश में परफॉर्म करना एक बहुत ही खुशी की बात होती है ना। सो यस, ये खुशी बीटीएस मेंबर्स के फेस पे देखा जा सकता था एंड जितना हो सकता था ना, उतना बीटीएस मेंबर्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंड उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिए एंड आर्मीज बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी हुई। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि वी वहां पे टायर्ड फील कर रहे थे एंड जब भी उनको टायर्ड फील होता तो वो ऐसे बैठ जाते एंड उसके बाद फिर से वो जाके परफॉर्मेंस देने लगते, सो दैट जो आर्मीज है उन्हें अच्छा लगे एंड सभी मेंबर्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। सो जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो जितने भी मेंबर्स है सभी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने एक्साइटमेंट, अपनी खुशी को आर्मीज के बीच शेयर किए एंड यहीं पे जंगकुक ने एक वीडियो बना के बहुत ही इमोशनल मैसेज आर्मीज के साथ शेयर किए। तो मैं आपको बता दूं, जंगकुक ने उस वीडियो में बोले थे कि हाय, मैं जंगकुक हूँ और ये जो मैंने वीडियो बनाया है ना, इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कॉन्सर्ट से आने के बाद लाइव आना चाहता था बट आई डोंट हैव द कैमरा जिसके बिहाफ पे हम लाइव आ सके फॉर नाउ, ओके। सो इसलिए मैंने इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को रिकॉर्ड किया एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इन सब चीजों को। फाइनली 2.5 इयर्स के बाद हमारा कॉन्सर्ट हुआ है सोल में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 23 साल के बाद कॉन्सर्ट हुआ है सोल में। फाइनली हमने कोरिया में कॉन्सर्ट किया, यस फाइनली ये हो गया। आज जितनी भी चीजें हुई ना, ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुआ हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार। साथ में जेके ने ये भी बताया कि जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो आर्मीज का साथ में गाना एंड चेयरिंग करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जंगकुक ने इस चीज को भी वहाँ पे शेयर किया, जिसे जंगकुक आज के कॉन्सर्ट में सुन नहीं पाए। जेके ने आगे बोले कि हमने काफी कॉन्सर्ट को रिकॉर्ड किए जो ऑनलाइन आप बाद में देख सकते हो एंड जिसमें ना फैंस के सिंगिंग की वॉइस एंड चेयरिंग की वॉइस नहीं आती है। जंगकुक ने बताया कि क्या हार्ड था आज के कॉन्सर्ट में। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट में क्योंकि हम कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज के केस में आर्मीज हमारे आंखों के सामने थी लेकिन आर्मीज ने चेयर अप नहीं किया एंड साथ में उन्होंने गाने नहीं गाए एंड उन्होंने ना शाउट भी नहीं किया। इवन आर्मीज वहाँ पे कोई मूवमेंट भी नहीं कर रही थी वहाँ पे। जो जंगकुक है उन्होंने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया एंड यहाँ पे जंगकुक ने बताया, इस वजह से मुझे आज का कॉन्सर्ट कठिन लगा, हार्ड लगा। जंगकुक ने बताया कि उन्होंने बहुत ही लगन से सभी परफॉर्मेंस को किए, लेकिन कुछ चीजें थी जो मैंने अच्छे से नहीं किया। स्टेज पे आने से पहले मैंने सोचा इट्स ओके, बिकॉज जो आर्मीज है ना वो शाउट कर रही है एंड ना ही वो स्टैंड अप ही हुई। तो गाइस, मैं आपको इस मैसेज का अगर कंक्लूजन बताऊं ना, तो जंगकुक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट या हम कह ले कि सैड है, क्योंकि उनको वो लव, वो प्यार देखने के लिए नहीं मिला अपने कोरियन आर्मीज से, जो कि बाकी देशों की आर्मीज में उन्हें देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी आपने रिसेंटली एलए के कॉन्सर्ट को देखा होगा, तो वहाँ पे जो आर्मीज थी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज्यादा चेयर अप कर रही थी एंड बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को डांस के माध्यम से शेयर किया, जो कि कोरियन आर्मीज ने नहीं किया, जिसकी वजह से जंगकुक को ऐसा फील हुआ कि उन्होंने अच्छे से परफॉर्म ही नहीं किया है। सो गाइस, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जंगकुक को मैसेज दे सकते हो एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि जंगकुक का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बिग डेज हिंदी वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।